पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने सोचा हुआ है 300 से ज्यादा करने, लेकिन गलत बॉल के ऊपर आउट हो गई है। जितने भी सारे के सारे आउट हुए सारे फजूल आउट हो गए हैं। इफ्तिखार अहमद बेशक बेशक बेशक, हम इस बात से डिनाई कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम तो कह नहीं रहे कि अफ्रीका बुरी टीम है, हमेशा से अफ्रीका जब से बनी है ना टीम, तब से बड़ी जबरदस्त है। लेकिन क्या है, रिजर्वेशन आना शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे। पाकिस्तानी टीम क्या है, हम नंबर वन क्यों है, नंबर वन क्यों है, क्यों है? अब ये पूरा मीडिया देखेगा, पूरा पूरी दुनिया देखेगा, करेंगे पूरे पूरा इंडिया देखेगा, क्या क्या होगा। सोने ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पे भी पाकिस्तानी नहीं दिख रहा भाई, कहां पे क्या है पाकिस्तानी। मेरे को लगता है दुनिया साफ हो गई। कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है ना, मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जिस तरह इनको वैसे भी इंडिया में जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। जिस तरह एशिया कप में इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान में आने के लिए, तो इनको भी चाहिए था कि नहीं जाते। क्या हो रहा है, ये हो तो हो क्या रहा है, समझ से बाहर है कि डू एंड डाई आपका मैच है, मस्ट विन गेम है। यहाँ पे पूरी की पूरी आवाम उम्मीद कर रही है कि आप चार के चार मैचेस जीते, अफ्रीका को हराना है। और तो जैसा कि पाकिस्तान की टीम से अफ्रीका से भी हार चुके, और पाकिस्तान का मीडिया पूरा गुस्से में है, अपनी ही टीम को गालियां दे रहा है, कोस रहा है, बोल रहा है तुम अपना मैच छोड़ो और उल्टा पाकिस्तान में आ जाओ। क्या कह रहा है पाकिस्तान का मीडिया, चलिए देखते हैं। पिछले भाई एक महीने से नहीं, पिछले एक साल से एशिया कप के टाइम से जिस तरीके से ये छोड़ रहे थे, कभी इस पहाड़ को हिट कर रहे थे, कभी उस पहाड़ को मार रहे थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी पुस्कियां, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा भाई, तोबा तोबा भाई, शर्म शर्म आ रही है मेरे को भाई। आज एक भी पाकिस्तानी नहीं दिख रहा, क्या जबरदस्त माहौल है भाई, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से तो नहीं मिट गया भाई, जरा देख लो भाई, एक भी पाकिस्तानी नहीं दिख रहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पे भी पाकिस्तानी नहीं दिख रहा भाई, कहां पे क्या है पाकिस्तानी। मेरे को लगता है दुनिया साफ हो गई। कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है ना, मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जिस तरह इनको वैसे भी इंडिया में जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। जिस तरह एशिया कप में इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान में आने के लिए, तो इनको भी चाहिए था कि नहीं जाते। क्या हो रहा है, ये हो तो हो क्या रहा है, समझ से बाहर है कि डू एंड डाई आपका मैच है, मस्ट विन गेम है। यहाँ पे पूरी की पूरी आवाम उम्मीद कर रही है कि आप चार के चार मैचेस जीते, अफ्रीका को हराना है। और पाकिस्तान कंटिन्यूअसली मैच हारता नजर आ रहा है, उन टीमों से भी हारा है, अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हारा है, ठीक है, नो डाउट हमें दुख बहुत है पाकिस्तान के हारने पे, लेकिन उसके बरक्स अगर हम पॉजिटिविटी देखें, ह्यूमैनिटी देखें, कि आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करेगा तो जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस बार एक ही मैच हारी है, उन्होंने चार मैच विन किए हुए हैं, वो अच्छे मार्जिन से जीती हुई है। पाकिस्तान अगर बॉलिंग और बैटिंग अच्छी करेगा तो फिर जीतेगा, वरना पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने सोचा हुआ है 300 ज्यादा करने, लेकिन गलत बॉल के ऊपर आउट हो गई है। जितने भी सारे के सारे आउट हुए सारे फजूल आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद पता है कि स्पिन के गेंद अच्छे नहीं, फिर भी आगे चढ़ के बढ़ के मार रहे, हालांकि आज बड़ा जरूरी खेल रहा बाबर आजम। बाबर पहले 50 हुआ इंडिया के खिलाफ आउट होकर चला गया, बाबर आज 50 हुआ बाबर आउट होकर चला गया। बाबर आजम को समझना पड़ेगा कि भाई रन करने पड़ने हैं, रन बोर्ड के ऊपर लगाने पड़ने हैं, कैप्टन को लीड करना पड़ना है। और जिस शॉट में बाबर आजम आउट हुआ वो इंतहाई पुअर शॉट थी, बाबर को ये शॉट खेलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं साथ ये भी कहूंगा, बाबर का आउट मेरी नजर में आउट नहीं था, बाबर का आउट मेरी नजर के अंदर आउट नहीं था। अगर आप दोबारा से उस रिव्यू को देखेंगे डीआरएस के, तो राइट साइड पे तो आपको लग रहा होगा कि ग्लव जो है वो बॉल के बिल्कुल साथ है, क्योंकि वो यहां का कैमरा है, साइड का कैमरा है, लेकिन फ्रंट के कैमरे से देखोगे जो लेफ्ट साइड पे आती है तस्वीर डीआरएस के टाइम पे, तब आपको पता चलेगा जो ये थंब है ना उसके और बॉल के दरमियान में यहां बॉल है, तकरीबन 2 से 3 उंगलियों का डिफरेंस है। फिर कैसे स्नीको ने उसके ऊपर लाइन मार दी कि ये आउट हो गया हुआ है। बेशक बेशक, हम इस बात से डिनाई कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम तो कह नहीं रहे कि अफ्रीका बुरी टीम है, हमेशा से अफ्रीका जब से बनी है ना टीम, तब से बड़ी जबरदस्त है। लेकिन क्या है, इन्ना बेचारे के नसीब दे विच ना चंगी रोटी नहीं है। समझ रहे हैं, देखिए वो थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलती है, सभी फाइनल में या तो पहले बार हो जाती है या तो सभी फाइनल में खेल के बार हो जाती है। पाकिस्तानी टीम क्या है, हम नंबर वन क्यों है, नंबर वन रैंक क्यों है, क्यों है? अब ये पूरा मीडिया देखेगा, पूरा पूरी दुनिया देखेगी, करेंगे पूरे पूरा इंडिया देखेगा, क्या क्या होगा। सोने अच्छा, अब आ जाते हैं इमाम पे भाई। देखें, एक बंदे के पास एक टेक्निक है ही नहीं, ठीक है, उसको कवर ड्राइव मारते हुए किसी ने आज तक देखा है कि कवर ड्राइव अच्छा मारता हो?
नहीं मारता, वो भाई एज ओपनर कवर ड्राइव नहीं मार सकता, सारा ग्लांस पे खेलता है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है, वो ग्लांस पे क्रिकेट थोड़ी होती है। हम बार बार आउट हो रहे हैं, हम बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ओपनर इमाम की जगह बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस उन पर रिजर्वेशन आना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे। जिसी एज इतनी बड़ी जगहों पर आपसे बातों से आप नहीं जीत सकते। सो आई रियली थिंक दैट इमाम नीड्स टू कम फॉरवर्ड और नीड्स टू गेट आउट ऑफ द टीम। एट द एंड ऑफ द डे जीतना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि अभी हम उतनी मोतबे टीम दुनिया की नहीं बनी है। इसी तरह से जो आपके टॉप फोर थे वो फिर से नहीं चले हैं। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इस पूरे जो आपकी थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसमें डेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। फील्ड को देखे बगैर, सिचुएशन को देखे बगैर जो है हिट मार देना, ये कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी ये होती है कि मिडिल ऑर्डर में किस तरह से अपने आप को, अपने सिचुएशन को सामने रखते हुए सेटल करना है और फिर मैच जितवाना है और अच्छे रन करने। इंसान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे। ये दुनिया को मुसलमान करने की सोच एक प्लेयर की नहीं है पाकिस्तान में। जैसे कि पाकिस्तान की सिचुएशन चली हुई है, पाकिस्तान भाई साउथ अफ्रीका से भी हार चुका है, और इतनी बुरी हार मिलने के बाद पाकिस्तान का मीडिया भाई पूरा मजाक बना रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, कि भाई हमने कैसे क्या बोलते भाई हिजड़ों की फौज जमा करी, भाई कैसे हिजड़ों को भी बदनाम करने की बातें कर रहे ये लोग। और भाई पाकिस्तान की टीम की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद भाई कसम से अब हमें मन कर रहा भाई इनके साथ हम नहीं खेलेंगे हम कभी यार, क्या फ़ायदा अगर तुम बराबर की टीम ना हो यार। साउथ अफ्रीका ने भी इनको पेल डाला भाई, साउथ अफ्रीका ने भी, और पाकिस्तान तो भाई अब बिल्कुल टोटली बाहर हो चुका है, और भाई अब तो बहुत ही कम चांसेस हैं इनके। आपको क्या लगता है भाई पाकिस्तान क्या आगे क्वालिफाई कर सकता है, आगे जीत सकता है, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारे यहाँ पर भाई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहती है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो भाई, वरना आपकी इच्छा है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।